तब्रेज तुम्हें तलाक दे रहा है। जो रिश्ता तब्रेज का आपसे है। शुभो, ये क्या? ये रिश्ता तब्रेज का मुझसे भी है। काम करते करते ही वक्त आ गया। नोच लूंगी मैं तुम्हारा, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। उर्फी क्या हुआ यहाँ पे? प्लीज मुझे बता यार। फिर मैं तुम्हें थक्के मार के इस घर से बाहर। दुर्योधन के अचानक आ जाने से तब्रेज की टेंशन मजीद बढ़ जाती है। वो उर्फी से कहता है कि वहाँ ऐसा क्या हुआ कि दुर्योधन अचानक यहाँ आ गई। उर्फी तब्रेज को कुछ नहीं बताता, लेकिन उर्फी शफक को तलाक का नोटिस भिजवा देता है अदन और उर्फी पे इल्जाम लगाने के। लिहाजा शफक को शायद ऐसे भुगतना पड़ेगा। अदन सुंबल से कहते हैं कि जो रिश्ता तुम्हारा तब्रेज के साथ है वही मेरा भी है। सुंबल अदन से कहते हैं कि तुम मेरी बराबरी कर रही हो, मैं तुम्हारा मुंह नोच के तुम्हें जान से मार दूंगी। तब्रेज तुम्हें तलाक देने वाला है और मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकालूंगी। सुंबल ऐसा क्या करने वाले है कि तब्रेज मजबूर हो जाएगा अदन को तलाक देने पर। सुंबल का एक्सीडेंट होता है और जैसे ही अदन के बच्चे से सुंबल ने जान छुड़ाई थी उसके साथ भी यही होने वाला है। क्या शफक की गलतफहमी की वजह से उर्फी और शफक का रिश्ता खत्म होगा? ये सब